हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड शेक की रेसिपी। सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। यहाँ पे मैंने 1.5 ग्लास दूध लिया है, नॉर्मल गाय का दूध है। आप चाहें तो जो बाज़ार में मिलते हैं पैकेट वाले, उससे भी आप बना सकते हैं। और यहाँ पर 2.5 चम्मच चीनी ली है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रखें। अगर आपको थोड़ी शक्कर और चाहिए तो आप और कर लें, अगर आप हल्की मीठी पसंद करते हैं तो आप कम डालें। यहाँ पे इतने दूध में मेरी मीडियम साइज़ की 3 ग्लास जो होती है उससे 3 ग्लास शेक बन गया था। अभी जब तक दूध वहाँ गर्म हो रहा है, हम यहाँ कस्टर्ड को मिला लेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मच 2 टेबल स्पून यहाँ वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास और भी कोई फ्लेवर हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर, गर्म न ठंडा, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दूध डालेंगे 2 चम्मच। और इसे बिल्कुल लाइट सा इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, वरना दूध में डालने पे लम्स पड़ जाएंगे। अभी यहाँ इसको थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए वनीला एसेंस था तो मैंने वो डाल दिया, 2 से 4 बूंद। आप चाहें तो इलायची पाउडर यहाँ दूध में डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। अभी हमें इसे थोड़ा सा पकाना है, और जब ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा तभी हमें फ्लेम को लो करना है और हिलाते हुए हल्का सा, और ये जो कस्टर्ड का पेस्ट है वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। जैसा फालूदे का टेक्सचर होता है वैसा ही हमें इसे करना है। ये देखिए, न ज़्यादा हल्का होना चाहिए इसका टेक्सचर, न ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि जब ये अभी ठंडा होगा तो ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। और ये देखिए, हमने इसे ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पर आ गया। बस अब हमें इसे असेंबल कर देना है। कुछ फ्रूट्स लिए हैं जिसमें ऑरेंज है, ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है। आप अपने मनपसंद फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ चेरी ले लिए है थोड़ा। अब यहाँ पे सबसे पहले फ्रूट्स डाला, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो आप उसे ले सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा मिंट भी ले सकते हैं। अभी जो ये दूध है कस्टर्ड वाला वो डाल दिया। सपोज़ अभी जैसे होली आ रही है, अगर आपको इसे झटपट चाहिए तो आप इस दूध को बना के फ्रिज में स्टोर कर लें 2-4 घंटे पहले, या ओवरनाइट आप इसे स्टोर कर लें। और फिर जब भी आपके यहाँ गेस्ट आएँ, आप ये फटाफट से फ्रूट काट के और इसे सर्व करें। ट्रस्ट में उन्हें बहुत ही पसंद आएगा, और ये बहुत ही झटपट सा बनता है। बस इसे अपने अकॉर्डिंग आप इसे असेंबल करें। फ्रूट ओवरलोडेड होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। और बस यहाँ पे थोड़े चेरी और कस्टर्ड मिल्क के साथ यहाँ पे मैंने इसको सर्व कर दिया है। थोड़ा फैंसी बनाने के लिए यहाँ स्ट्रॉबेरी से भी थोड़ा सा गार्निश किया है। तो तैयार है हमारा कस्टर्ड शेक, बहुत ही झटपट है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।